राजधानी देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर आज बुलडोजर चला है, जिससे क्षेत्र के भू माफियाओं में खलबली मच गई। सूत्रों के मुताबिक नगर पंचायत सेलाकुई की स्थित नेशनल हाईवे से लगती हुई सिडकुल विभाग की कई बीघा भूमि पर किसी स्थानीय भू माफिया ने अवैध कब्जा किया था। अवैध कब्जे के साथ मौके पर चार दीवारी करते हुए अंदर टीन शेड खड़ा कर दिया था, जिसकी शिकायत के बाद विभाग के प्रबंधक यशवंत सिंह रावत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। देहरादून से जयसिंह की रिपोर्ट। जमीन है, सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, सारे इंडस्ट्री वाले लोग आ रहे हैं, जमीन हमारे पास बहुत सीमित है। उसके बाद भी हमारे मुझे पूछे बगैर जो है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। कम से कम अतिक्रमण हो रहा है तो मुझे पूछते ना एक बार, तो पूछ करके उसको शॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सरकारी भूमि है ये हमारी, तो इस तरीके से रातों रात कब्जा करना अच्छी बात है। ये हमने सुना है कि कब्जा भी हुआ है, पेड़ भी कटे हैं, ये सारी ये अच्छा नहीं है, ये सिस्टम के लिए उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है सारी चीज़ें। और इस तरीके से बात तो करो उससे, तुम्हारी अगर जमीन है तो बैठ करके उसका छानबीन करो, छानबीन करेगा। तुमने मेरा पूछे बगैर कैसे करके जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, आप बताइए। आप कुछ जिसमें लोग हो आप बताओ।